अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रंजन कहूंगा ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर सड़क पर आग लगा दिया गया है, टायर डाल के आग लगाए गए हैं। ये एक तरीके से कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन ठीक नहीं है। ये कैसा प्रदर्शन है ये जो अब तीन काले दिवस चल रहे हैं, काले दिवस का ये सड़क पर आप इस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका विरोध करने का, तरीका उनको इतना प्रताड़ित करने का, लगा के विरोध करने का तरीका है ये? नरेंद्र मोदी जी हमारी आग दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आग लगा मोदी के पुतला फूका है, आग लगाएंगे आप? आग नहीं लगाएंगे, जिस तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ उठेंगे इसका विरोध करेंगे हम। ये देखिए आप सड़क पर खुलेआम इस तरीके से आग लगाकर विरोध प्रदर्शन का काम शुरू हो चुका है। भारी मात्रा में यहाँ पर फोर्स भी आ रही है, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंचने वाले हैं। विजुअल आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए विजुअल, आग के विजुअल आपको दिखाएंगे। ये देखिए ज्यादा से ज्यादा ये चार पांच टायर और इतनी गर्मी में ये आग लगाकर किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है कांग्रेसियों के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। सरेआम सड़क पर, चलती हुई सड़क पर, ट्रैफिक वाली सड़क पर, ये समझ लीजिए कि वीआईपी सड़क पर इस तरीके की हरकत की गई। आप देखिए बगल से गाड़ियां निकल रही हैं, बिल्कुल सत्य के ये गाड़ियां निकल रही हैं, और ये किस तरीके का प्रदर्शन है ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार यहाँ से बाइक सवार, ऑटो सवार और गाड़ी सवार, गर्मी का दिन है, इस वक्त बाहर का टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है, और गाड़ियों में सीएनजी होते हैं, पेट्रोल गाड़ियां होती हैं, कुछ भी हो सकता है, भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये किस तरीके का प्रदर्शन, 5-6 टायर लगाकर पेट्रोल डालकर ये आग लगाया गया है। आप देखिए राहुल गांधी के पोस्टर के साथ इस तरीके का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अलग अलग जगहों पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और कल तक ये कहने वाले कि हम शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज ये प्रदर्शन में आगजनी किस तरह से की जा रही है, बवाल किस तरह से काटा जा रहा है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ईडी दफ्तर के बहुत पास की ये तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आपके सामने है। पुलिस भरसक कोशिश कर रही है उपद्रव मचाते हुए इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की। कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है, लेकिन सुबह से लेकर के अब तक लगातार उपद्रव कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। शांतिपूर्ण मार्च का नाम देकर किस तरह सड़क के ऊपर आगजनी कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं वो इन तस्वीरों में स्पष्ट है। मेरी सहयोगी मीनाक्षी का भी मैं रुख करती हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी का हम रुख करेंगे, लेकिन अभिषेक के ही पास एक बार फिर से हम चलते हैं। अभिषेक, ये आगजनी कहां पर की गई है, ये टायर में जो आग लगाई गई है ये एग्जैक्टली एरिया कौन सा है? बिल्कुल एरिया आपको दिखा देते हैं। ये जो रोड है ये ताजमान सिंह के सामने का रोड है, ताजमान सिंह रोड पर ही ये आगजनी की गई है। बगल में ईडी ऑफिस है, आप देखिए लगातार किस तरीके से आग यहाँ पर भभक रही है, और मैं तकरीबन इससे 10 मीटर दूर हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे जल जाऊंगा, इतनी तेज आग है। और सामने आपको दिखाते हैं एक कोई एम्बेसी भी है, बिल्कुल आमने सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो रोड है जिस रोड पर ये आग जल रही है, ये रोड पृथ्वीराज रोड है, पृथ्वीराज रोड पर ये आगजनी चल रही है। बगल में खान मार्केट है, सामने ताजमान सिंह होटल है, और दूसरी रोड पर जनपथ रोड पर ईडी ऑफिस है। यानी कि बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर, प्राइम जगह पर, प्राइम सड़क पर, ट्रैफिक वाली सड़क पर इस तरीके की घटना कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा की गई है। वो यहाँ पर जिस तरीके से बैठे हुए हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे जाने की, लेकिन आग बहुत तेज है और गर्मी, एक तो गर्मी, ऊपर से ये जिस तरीके से आग की लपटें उठ रही हैं वो यहाँ पर खड़ा नहीं होने दे रही है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बना दी गई है, और आप देखिए ये यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस पहुँचने वाली है, और उसके बाद इनको यहाँ से हटाया जाएगा, आग बुझाया जाएगा। एरिया है, आप कह रहे हैं ताजमान सिंह के बाहर का ये इलाका है, ये कौन? या पुलिस का भी मौजूद नहीं है क्या? ये कौन सा तरीका है? नहीं, ये तस्वीर पुलिसकर्मी यहाँ अभी मौजूद नहीं है, एक भी पुलिस यहाँ पर आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपको तस्वीर दिखा देगा।